मध्य प्रदेश में हमारे युवा साथी मोहन यादव जी और उनकी सरकार गरीब और आदिवासी समाज के कल्याण के लिए दिन रात काम कर रही है। लेकिन साथियों, दूसरी ओर कांग्रेस है जो अभी भी अपनी पुरानी मानसिकता में जकड़ी हुई है। भाजपा जब देश में पहली महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति के लिए आगे बढ़ी, तब कांग्रेस ने उन्हें हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी। कांग्रेस ने कभी आदिवासी विरासत का सम्मान भी नहीं किया। कांग्रेस ने तो गोविंद गुरु जैसे क्रांतिकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा तक नहीं दिया था। कांग्रेस आजादी का श्रेय किसी आदिवासी को नहीं, अपने शाही परिवार को देना चाहती है। ये हमारी सरकार है जिसने गोविंद गुरु को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया। ये हमारी सरकार ने टंटियांग मामा को सम्मान दिया। ये हमारी सरकार ने पहली बार भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत की। आप मुझे बताइए, इस कांग्रेस को क्या एक भी सीट पर मौका मिलना चाहिए क्या? एक पर भी मिलना चाहिए क्या?